फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुख्यमंत्री रहते हुए अटल बिहारी की प्रधानमंत्री थे, पटना के गांधी मैदान में आंचल फैला करके विशेष राज्य की दर्जे की मांग की थी। उच्च न्यायालय नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे तो मना किया था इन्होंने। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ये बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के हाजीपुर में दिया है, जहां वो एक शादी समारोह में शरीक होने पहुंचे थे। दरअसल विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू एक बार फिर से मुद्दा बनाने के अभियान में जुटी दिख रही है। पार्टी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर घर घर दस्तक विशेष हस्ताक्षर नाम से 3 दिवसीय एक डिजिटल अभियान की शुरुआत की है, जिसमें विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है। लेकिन जेडीयू के इस नए अभियान पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा हमला किया है और 20 साल पहले के एक वाक्य को याद करते हुए बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते ही राबड़ी देवी ने पटना के गांधी मैदान में आंचल फैलाकर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी, तो नीतीश कुमार ने केंद्र में मंत्री रहते इसका विरोध किया था। घर घर दस्तक, ये तो वही है जब राबड़ी देवी जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए अटल बिहारी की प्रधानमंत्री थे, पटना के गांधी मैदान में आंचल फैला करके विशेष राज्य की दर्जे की मांग की थी। उस समय नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे तो मना किया था इन्होंने। तो नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति तो आके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, भारत सरकार देगी। अब भारत सरकार में जेडीयू अंग है कि नहीं भारत सरकार का, ये जवाब दे दे पहले। जेडीयू मांग किससे, अपने ही सरकार से? केंद्र में सरकार किसके, एनडीए की? बिहार में सरकार किसकी, एनडीए का? इनके मंत्री हैं कि नहीं, आरसीपी टैक्स वाले केंद्र में मंत्री हैं कि नहीं? तो ये विशेष राज और विशेष पैकेज ये मांग किससे रहे, ये केवल और केवल भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करना। दोनों ने, बीजेपी और जदयू ने, दोनों ने बिहार का सत्यानाश किया। वहीं क्योंकि तेजस्वी लगातार हाजीपुर में दूसरी शादी समारोह में भाग लेते दिखे, तो खुद की शादी की बाद लगातार शादी समारोह में दावत उड़ाते तेजस्वी यादव से मीडिया ने खुद की शादी की भोज को लेकर जब सवाल किए तो तेजस्वी सवाल को टालने लगे। वहीं समर्थक इस सवाल पर खिलखिला रहे थे तो तेजस्वी यादव भोज के सवाल को टालने की कोशिश करते दिखे। तेजस्वी की शादी की भोज को लेकर सवाल दोबारा हुआ तो तेजस्वी ने कोरोना गाइडलाइन की मजबूरी बताई और निकल गए। अच्छा, आपकी शादी के बाद लगातार शादी में आप घूम रहे हैं, अपनी शादी का भोज कब कर रहे हैं तेजस्वी जी? जी जी बताइए, शादी का भोज कब होगा? बड़ा इंतजार कर रहे हैं आपके समर्थक की, कब होगा? अच्छा, कोरोना वोरोना का गाइडलाइन और रेड लाइन खत्म हम भी कर देंगे। आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही हैं। बिहार एनडीए में मौजूद जेडीयू तो खुद ही अपनी साथी के विशेष राज्य के हक की मांग कर रही है, जिस पर विपक्ष जेडीयू की चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा है। ये थी हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।